जब मैं आ रही थी रास्ते पे, मुझे पता चला कि गुवाहाटी में आज भाजपा का ऑफिस का उद्घाटन भी हो रहा है, जिसका नाम रखा है पद्मा भवन। पद्मा भवन से आते हुए मैं वो भव्य पद्मा भवन देख के मैं हैरान हो गई और सोचने लगी कि जिस दौर में महंगाई आसमान छू रही है, जिस दौर में युवाओं बेरोजगार हो रहे हैं, ऐसे दौर में भाजपा इतनी बड़ी दफ्तर कैसे बना रहे हैं, इतने बड़े महल से भी ज़्यादा बड़ा हाईटेक दफ्तर कैसे बना रहा है, वो मेरे समझ के पार था। फॉर माई फ्रेंड्स इन आई वुड लाइक टू आस्क माई फ्रेंड्स ऑफ द प्रेस, मैं हिंदी में बोलूँ या अंग्रेजी में, आपको क्या ज़्यादा सहूलियत होगी, या मैं दोनों बोलूँ? हाँ जी, हिंदी। ओके ओके। फॉर माई प्रेस हु इज कवरिंग इट इन इंग्लिश, आई वुड जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म देम दैट वाइल कमिंग टूडे फ्रॉम द एयरपोर्ट ओवर हियर, आई वॉज इन्फॉर्म्ड बाई माई महिला कांग्रेस स्टेट प्रेजिडेंट दैट the BJP is inaugurating its office, and we just happened to cross that office, which is called the Padma Bhavan, and I was shocked to see the magnificent building. I was shocked to see the ambience of the building, and I was wondering how during an era when people are hungry, when mehngai, inflation is at its highest, and when our youth of the country are jobless, how can the party afford to have such a magnificent state office? So that speaks volumes. Now let me come back to what my main aim of today's press conference is. Aaj mehngai हर एक उस इंसान को तकलीफ दे रही है, आप मैं और उन करोड़ों देशवासियों को जिसने 2014 में किसी के बहकावे में आके, वो किसी और कोई नहीं है, देश का प्रधानमंत्री आज है। ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने 2014 में महंगाई और बेरोजगारी से देश को मुक्ति दिलाने की बातें की और देश के लोगों को सपने बेचे गए, ऐसे सपने जो आज दूर दूर तक साकार तो नहीं हो पाए हैं, पर उससे बिल्कुल विपरीत है। आज रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। आज अगर बेरोजगारी की आप बात करें तो 45 इयर्स में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस दशक में, इस समय में, जब से मोदी सरकार सत्ता में आया है तब से हमें देखने को मिल रहा है। महंगाई का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा महिलाओं को भी पिंच करती है, पर महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो देश के हर नागरिक को तकलीफ में डाल देती है। 2013 में जब भाजपा ऑपोजिशन में थी, जब वो सत्ता में नहीं थे, तब बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। तब जब गैस सिलेंडर का दाम 2010 और 2014 रुपया थी, जब इंटरनेशनल मार्केट में दाम आज से बहुत ज्यादा थी, तब गैस सिलेंडर को रास्ते पे उठा उठा के धरना देते थे यही भाजपाई नेता, और कहते थे बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार सरकार में तो मोदी सरकार है, पर अब कहाँ गई महंगाई? अब महंगाई उनको सूंघ नहीं रही है? अब कहाँ गई वो सारे भाजपा की नेत्रियां जो गैस सिलेंडर को सिर पे उठा उठा के चिल्लाते थे? अब जब गैस सिलेंडर 1000 रुपया पार हुआ है,
तो ये महंगाई नहीं तो क्या है? या क्योंकि आप सत्ता में बैठे हो तो आपको चुप रहना है? या तब महंगाई सिर्फ एक मुद्दा था 2013 में सत्ता में आने के लिए, और अब महंगाई जो है वो जनता के लिए एक तोहफा समझ के पेश कर रहे हैं ये सरकार।